15 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेन से आए और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज़्यादा और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग से भी। और कई लोगों की तो आदत अलग अलग होती है, तो बहुत लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी, जब इस पर पाबंदी थी तब भी चलकर आते रहे, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया अपने यहाँ, क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे, सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को। और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की, लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी। लेकिन जब हम पूछते थे कि भाई आगे क्या विचार है, आप कहाँ गए थे, क्या करते थे, तो लोगों के मन में ये भाव हमने देखा कि लोग बाहर में जो कष्ट झेले हैं अब उनकी इच्छा है नहीं, उनको लगता है कि हमें राज्य में ही काम मिले, हम राज्य में ही रहना चाहते हैं। और हम लोगों को भी लगा कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े बाहर।